पुलवामा में आतंकी हमले की इन तस्वीरों ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया है। चारों ओर धुएं का गुबार, सड़क पर बिखरे गाड़ियों के पुर्जे, सीआरपीएफ जवानों के छत उछत शव, घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे जवान, चारों ओर अफरा तफरी। ये तस्वीरें पुलवामा में आतंकी हमले के ठीक थोड़ी देर बाद की है। अब आपको बताते हैं कि आतंकियों ने कैसे सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमला किया। करीब 2500 जवानों को 70 गाड़ियों से ले जा रहा सीआरपीएफ का यह काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। दोपहर करीब 3:15 बजे जैसे ही सीआरपीएफ जवानों का काफिला दक्षिणी कश्मीर में श्रीनगर जम्मू हाईवे के गोरीपुरा अवंतीपुर के पास पहुंचा, अचानक आतंकियों की एक एसयूवी तेजी से काफिले में घुसी जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भरा हुआ था। आतंकियों की इस गाड़ी ने सीआरपीएफ जवानों की एक गाड़ी को सीधी टक्कर मार दी। इस टक्कर के साथ ही जोरदार धमाका हुआ, धुएं के गुबार के साथ आग की लपटें उठी, आतंकियों की गाड़ी जलकर खाक हो गई। वहीं सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी से भी आग की लपटें निकलने लगी। आतंकियों की गाड़ी के सीआरपीएफ जवानों को ले जा रही बस से टकराते ही धमाके की जोरदार आवाज हुई, पूरा इलाका दहल गया। सीआरपीएफ काफिले में शामिल गाड़ियां रुक गईं, जवानों ने तुरंत पोजीशन लिया। इस बीच आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ के जवानों ने जवाबी फायरिंग की जिसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। सीआरपीएफ जवानों ने विस्फोट से तबाह हुई बस में पड़े जख्मी और शहीद जवानों को निकालकर अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। घायल जवानों को उपचार के लिए फौरन बादामी बाग सैन्य छावनी में सेना के अस्पताल में दाखिल कराया गया। There was a terror incident. The CRPF convoy, which was coming from Jammu and going towards Srinagar, was attacked. We have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle-bound attack. जैश मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। इस आत्मघाती हमले में आदिल अहमद डार के भी परखच्चे उड़ गए। इस आत्मघाती हमले के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। दिल्ली से श्रीनगर तक फोन घनघनाने लगे। हमले के फौरन बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और डीजी सीआरपीएफ से बातचीत की। इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं कि इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार विजय कुमार ने गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की। फिलहाल कश्मीर घाटी में सेना और अन्य सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हमारा FSL फॉरेंसिक टीम बाकी टीम वहां पहुंचा है। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मिला है, इट लुक्स लाइक अ पावरफुल एक्सप्लोसिव एंड द इंपैक्ट हैज बीन क्वाइट अ बिट। पुलवामा में आतंकी हमले की तस्वीरों को टेलीविजन पर देखकर देश के लोगों का खून खौलने लगा। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की मांग देश के कोने कोने से उठ रही है। पाकिस्तान, जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग उठ रही है।